सबसे पहले आपको लगेगा कुछ चिकन के पीसेस, आप चाहे तो बोनलेस ले सकते हैं या फिर विद बोन्स ले सकते हैं। देख सकते हो इसे वॉश करके मैंने पूरा ये किया है रेडी। फिर आपको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, एक ये गार्लिक जिंजर पेस्ट, सेकंड एक लेमन, थर्ड चिकन 65 फ्राई, ये आपको अवेलेबल मिल सकता है, नहीं तो आप अपने होममेड मसाला यूज़ कर सकते हो। और गार्लिक जिंजर पेस्ट के आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है यही चाहिए। फिर सेकंड आपको एक सीज़र चाहिए और एक पॉइंटेड ये नाइफ, ठीक है। सेकंड आपको नींबू, लेमन जिसे हम बोलते हैं, उसे एकदम अच्छे से कट करना है एक साइड से, और ये अकेले मत ट्राई करना, आप किसी बड़े का सहारा लो। तो लेमन मैंने कट किया है, तो जो बचा हुआ पीस है हम उसे बाजू में रखेंगे हमारी न्यू रेसिपी के लिए। जो कटा चॉप्ड लेमन है उसे भी हम बाजू में रखेंगे। फिर हमें चिकन लेना है, और चिकन 65 सॉरी का ये फ्राई मसाला के पैकेट को काटना है अच्छे से। गलती से गलत फट गया, पर आप इसके अंदर डाल तो सकते हो, ये चाहे तो आप 2 पैकेट डाल सकते हो। चिकन को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा आपको, एक्चुअली एक मसाला है, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है चिकन को आपको। फिर अगला भी मैं बताऊंगा आपको, और स्पेशली जो बोन्स वाले हैं ना उसे ठीक से मिक्स, मतलब ऐसे करना है कि उनके अंदर भी जो फीलिंग आनी चाहिए इस चिकन की, सॉरी मसाले की। मैं चॉपिंग बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप इसे अपने किचन के स्टाइल पे भी कर सकते हो अगर ये साफ होगा तो। ये भी साफ है पर चॉपिंग बोर्ड पे ये हिलता नहीं है और स्लिप नहीं होगा, क्योंकि मैं हाथ रखता हूँ तो ये कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो इसे प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर 10 मिनट रुकेंगे। मिनट के बाद अभी हमें बस, सॉरी ज़रा ट्राइपॉड सेट हो जा, ठीक है। 10 मिनट के बाद हमें गार्लिक जिंजर पेस्ट लेना है, टेस्टी है ना, हाँ, इसके अंदर डालना है बहुत सारा, आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ हमेशा की तरह, पर हाँ ये टेस्टी बन जाता है। फिर जो हमने स्लाइस ऑफ लेमन कट किया था उसे इसके ऊपर पूरा डाल दीजिए। फिर गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इस मसाले और गार्लिक जिंजर पेस्ट का स्मेल बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई कर सकते हो घर पे ये रेसिपी। और आपको अगर अच्छे से मसाले इनके अंदर भरना हो तो आपको बस फोक से इसके अंदर अंदर छोटे छोटे होल्स बनाने पड़ेंगे, पर उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये एक शॉर्टकट वे है। इसके अंदर मसाला जाएगा जिसके ये जो बोन्स है ना, मैंने बोला था ना ऐसे ऐसे प्रॉपर ये ऐसे अच्छे से अंदर कर देना, उसके अंदर तो प्रॉपरली मसाला चले जाएगा। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, कुछ कुछ बोन के पीसेस है और कुछ कुछ नहीं।
तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। स्टेप है एक ऐसा कुछ, तो लेके चिकन को ढक दो अच्छे से और इसे बाजू में रख दो, जैसे मैं अभी रखने वाली हूँ। कपड़ा इधर रख दो और चिकन को जो हमने अभी रेसिपी बनाई उसे और 2 मिनट के लिए, उसे 2 मिनट के लिए बाजू में रख देना पड़ता है, जिससे चिकन में टेस्ट अच्छा आएगा। तो फिर हमें तेल को, ऑयल को गरम करना है। उसके लिए लाइटर से लाइट अप कीजिए, ज़रा फास्ट कीजिए, जिससे ये प्रॉपरली गरम हो जाएगा। और आप बेसन निकालना पड़ेगा। हाँ, तो 2 मिनट होने के बाद हम इसे निकालेंगे बाहर। आप मेरा हाथ देख रहे हो मसाले की वजह से। आपको बेसन लेना है। मैंने ये बाजू में पाउडर थोड़ा सा निकाल के रखा था और इसके ऊपर डाल देना, जितना हो सके उतना डालो, जिससे स्टिकी स्टिकी अगर बन गया ना तो फ्राई के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और लगेगा तो मैं और डाल दूँगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट। अगर आप चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो। इतना पानी बिल्कुल मत ऐड करना, पानी मैंने फिर से डाल के आया हूँ। बस इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो चिकन की टेस्ट और मसाला जब फ्राई करेंगे तब अच्छा नहीं, आउच लगेगा। अभी एवरीथिंग इज़ रेडी, अभी हमें बस ऑयल के अंदर देखना है, चेक करना है कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ओके, तो तेल गर्म हो चुका है। तो अभी डिस्क्लेमर, सबसे पहली बात, किसी बड़े के साथ कर देना, अकेले नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अकेले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, मैंने ये 10 बार 12 बार ये किया है, इसलिए जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा, सो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा वो किसी बड़े के साथ ट्राई करो, ठीक है। और जो मेरी बात नहीं सुनेगा फिर भुगतो, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये इतना टेस्टी लग रहा है, मैंने एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दिया आई थिंक। तो मेरा कपड़ा कहाँ आ गया? ठीक है, हम इसे अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। वाव, रिजल्ट थोड़ा सा आपको दिख सकता है। अच्छे से मिक्स करो इसे, एक बहुत अच्छा स्मेल आएगा आपको। और मैं बता नहीं सकता मैं कौन सी सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ, इसका लॉजिक है क्योंकि मेरी सोसाइटी के इधर ये इजीली मिलता है, वो पैकेट सुहाना का। सुहाना है नहीं, चिकन 65 आपको ऑनलाइन मिल सकता है, बाजार में नहीं तो कहीं पे भी, स्पेशल चिकन के शॉप में मिलेगा। और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट कहीं पे भी मिलता है। और एक बार ये हुआ तो आप इसे कौन से भी प्लेट में डाल सकते हो। वैसे भी मेरे पास एक प्लेट है इसके लिए, चिकन के लिए रखा है मैंने, वो लेमन को इग्नोर करो, सॉरी फॉर दैट। तो ये प्लेट अभी मैं इधर सामने रखूँगा। तो फिर
गया इधर और ओके तो ये रेडी हो चुके हैं। ऐसे मैं बहुत सारे बनाऊंगा और आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। तो ये मैंने इधर डाल दिए, टेस्टी लग रहे हैं फ्राई। एक्चुअली मैंने उस दिन जो पोस्ट किया था वो अलग रेसिपी होता, वो भी मैं डालूंगा अभी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मैंने मुझे मालूम है मैंने डेली व्लॉगिंग का बोला था पर पॉसिबल नहीं होता यार, मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब ये देखो अभी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ पर डालता हूँ, पर अभी उस दिन का व्लॉग ज़रा दो वो टू व्लॉग्स लेट आए क्योंकि उधर वाईफाई नहीं चल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम थी। न्यू गेमिंग वीडियोस भी आने वाले हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स पूछते हैं मुझसे गेमिंग वीडियोस कब आने वाली है, तो हाँ वीडियो आएगी बहुत जल्दी। तो जो बर्तन था इस चिकन का हमने उसे धोने के लिए डाल दिया है। ओके एवरीथिंग इज सेट। उसके ऊपर का ढक्कन भी हम अभी धोने को डालेंगे। इन्हें आपको ज़रा हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये स्टिक हो सकता है। और ये वीडियो उनके लिए जो चिकन एक्चुअली चिकन लवर है, ठीक है ना, वेज वाले। हाँ वेज में याद आया, मैं पनीर का बना सकता हूँ वेज में, पनीर फ्राई एक मेरी न्यू डिश है, तो आपको अगर वो देखना हो तो गिव मी कितने लाइक्स, 20 लाइक्स मैक्सिमम। आप मुझे 20 लाइक्स दो, मैं आपको पनीर का बना के दूंगा डिश, एक न्यू पनीर फ्राई, बस 20 लाइक्स और कुछ नहीं। अभी ये थोड़ा रेडी होगा। आहा क्या मस्त लग रहा है ना, अभी से आराम से तल फ्राई होने देते हैं। ओके ये रेडी हो गए। अगर आपको इनमें क्रिस्पी चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ। एक्चुअली मुझे कुकिंग भी आती है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये भी रेडी हो चुके हैं और अभी ये मैं प्लेट में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। नाइस। वो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा तेल निकलना चाहिए थोड़ा सा, तो ऑयली हो जाता है। और अभी गैस बंद कर दो। Our dish is ready. इसे बाजू में रखो। हाँ तो अभी ये जो है ना अभी बना है, तो ये फ्राई है थोड़ा सा ऊपर का वो निकल गया, डोंट माइंड वो हो जाता है। तो अभी बस आपको सॉल्ट चाहिए ऐसे वाले चीज़ के अंदर, और फिर थोड़ा सा
सॉल्ट हर एक चीज़ में डाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सॉल्ट नहीं डाला, तो अब थोड़ा सा सॉल्ट। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।